सीएम योगी ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। यूपी में जीत के बाद पहली बार जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। जेपी नड्डा ने दी जीत की शुभकामनाएं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास पर करीब 1 घंटे 40 मिनट तक हुई बैठक। यूपी में प्रचंड जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। पीएम मोदी ने सीएम योगी को उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 5 साल में उन्होंने जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वे राज्य को विकास की और आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी को जीत की बधाई दी। दिल्ली दौरे पर योगी आदित्यनाथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी की मुलाकात। मंत्री सर्वानंद सोनोवाल से भी मिले सीएम योगी। यूपी में होली के बाद नई सरकार का गठन। एबीपी गंगा से बोले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। पहले कार्यकर्ता मनाए होली, बाद में शपथ की तैयारी। यूपी में नई योगी सरकार के लिए शुरू हुई मंत्री पद की रेस। लखनऊ ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कई नवनिर्वाचित विधायक। पिछली सरकार में खाली हुए 17 मंत्रियों के पद। दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक। कांग्रेस दफ्तर पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक। 5 राज्यों में करारी शिकस्त पर हुई चर्चा। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक हुई। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव की हार की समीक्षा करने के साथ साथ पार्टी की बेहतरी के उपायों पर भी चर्चा की। बजट सत्र में सरकार को घेरने के प्लान पर भी मंथन हुआ। लखनऊ में पिता मुलायम सिंह से मिले अखिलेश यादव। सपा दफ्तर में हुई मुलाकात। मुलायम सिंह ने अखिलेश से कहा, बहुत अच्छा चुनाव लड़े। अमेठी में चुनाव हारने के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह ने निकाली भड़ास। कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद कहा, हम उस खानदान के हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर हमें आजादी दिलाई। मेरठ के सरधना के गांव खेड़ा में पूर्व विधायक संगीत सोम के समर्थन में पंचायत का आयोजन हुआ। पंचायत में हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर के मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी। गोरखनाथ मंदिर के पास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने मनाई खुशी। पुष्कर सिंह धामी को फिर मिल सकती है उत्तराखंड की कमान। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने एबीपी गंगा से बातचीत में किया इशारा। कई विधायक धामी के लिए सीट छोड़ने को तैयार। भाजपा में सीएम फेस को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त ने भाजपा पर साधा निशाना। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बताया तानाशाही। कहा, भाजपा में लोकतंत्र होता तो 2/3 बहुमत के बाद भी विधायक दल के नेता नहीं छुप पा रहे। उत्तराखंड चुनाव में हार पर बोले हरीश रावत। कहा, प्रभारी स्तर पर गलती और विश्लेषण के बाद चूक मिले तो सजा मिले। अगर गलती हुई है तो पार्टी विचार करे। मैं समझता हूँ ये समय जो है चीजों को हम डीपली एनालाइज करें और एनालाइज करने के बाद यदि चूक इंचार्ज के लेवल पर हुई तो इंचार्ज शुड बी पनिश्ड और यदि जिस लेवल पर हुई उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। उत्तराखंड चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार। कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस आलाकमान को सेवा का मौका देने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे के इस्तीफे पर महामंत्री संगठन मथुरा जोशी का बयान। कहा, इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं। धारचूला में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक हरीश धामी को मिली धमकी। फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने की धामी ने कही बात। हरीश धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को पत्र लिखकर की शिकायत। क्षेत्र पंचायत सदस्य के पति पर लगाया आरोप। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की हरीश धामी ने की मांग।
रामनगर पहुंचे सल्ट विधायक महेश जीना का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा सल्ट चुनाव में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी को हराने की कोशिश की थी। हाईकमान से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। मसूरी में कांग्रेस नेता गोदावरी थापली ने कांग्रेस की हार पर कहा कि मसूरी और प्रदेश में कांग्रेस की हार अप्रत्यक्ष है। उत्तराखंड में भाजपा की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, उसका विपरीत परिणाम देखने को मिला। चार धामों के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने पुष्कर सिंह धामी से की है मुलाकात। पुष्कर सिंह धामी को तीर्थ पुरोहितों ने दिया आशीर्वाद। उनके कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक फैसलों के लिए जताया आभार। चीन में तेजी से फैलने लगा कोरोना वायरस। दो साल बाद एक दिन में 3300 से ज्यादा नए केस दर्ज। दुनिया में बड़ी दहशत। एहतियात के तौर पर शंघाई में फिलहाल स्कूल बंद। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3116 केस दर्ज किए गए। 47 लोगों की मौत हुई। 5559 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। शुरुआत से अब तक कोरोना संक्रमण का आंकड़ा हुआ 4,29,90,991। देशभर में कोरोना एक्टिव केस में 38,069। महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 5,15,850। अब तक 4,24,37,072 लोग कोरोना से रिकवर। वहीं बीते दिन देश में कोरोना वायरस के लिए 7,61,737 सैंपल टेस्ट किए गए। टेस्टिंग का आंकड़ा 77,85,20,151 हुआ। 24 घंटे में 20,31,275 को दी गई डोज। अब तक वैक्सीन लगाने वालों की तादाद हुई 180,13,23,000 के तकरीबन। बरेली में छात्रा से अश्लील हरकत करने पर लोगों ने शिक्षक की जमकर पिटाई की। आरोपी शिक्षक का शहर में निकाला गया जुलूस। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरोपी ने इंटर की छात्रा के साथ की थी अश्लील हरकत। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। फरीदपुर थाना क्षेत्र का मामला। आजमगढ़ में दो लोगों की हत्या से हड़कंप। गुवाई गांव में नानी और नातिन की हुई हत्या। दीदारगंज थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हमला। एक परिवार के सदस्यों में हुआ विवाद। निगोही थाना क्षेत्र के अजीजपुर का मामला। एटा में 16 साल की नाबालिग दर्ज लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात। पीड़ित के पिता ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ थाने में दर्ज कराई FIR। 7 मार्च को घर से बहला फुसला कर ले गए थे आरोपी। वहीं चित्रकूट में दलित युवक की निर्मम हत्या से भड़के ग्रामीण आक्रोशित। भीड़ ने पुलिस पर भी किया पथराव। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। मुजफ्फरनगर के नगला पिथौरा गांव में खेत में मिला युवक का शव। युवक के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप। पुरानी रंजिश के चलते हत्या को दिया अंजाम। 2 साल पहले जमानत पर जेल से छूट कर आया था युवक। गाजीपुर पुलिस ने बाइक और मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का किया है पर्दाफाश। 4 बदमाशों को चोरी की बाइक, मोबाइल और 2 अवैध असलों के साथ पकड़ा। 12 फरवरी को बाइक सवार से की गई थी लूटपाट। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश के पैर में लगी गोली। दूसरा बदमाश मौके से फरार। शहर कोतवाली इलाके के बुढ़ाना मोड़ का मामला। अमरोहा में एक महिला शव उसके ही परिवार उसके घर पर संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका का पति खेत गया हुआ था और घर पहुंचने पर मिली जानकारी। आदमपुर थाना क्षेत्र का है मामला। उधम सिंह नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असले बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। टीम ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटद्वार में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक की मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल। गाड़ी घाट के झूला पुल के पास का है मामला। मथुरा में 11 मार्च को मथुरा गायब हुआ सकुशल बरामद। फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। बच्चे को उसके परिजनों से मिलाया गया। बस्ती के कुबानू नदी में पलटी नाव। नाव पर 1 दर्जन बच्चे थे सवार। 1 बच्चे की मौत, बाकी बच्चे खुद तैरकर बाहर निकले।
संभल के मेंथा बाजार में व्यापारी के गोदाम में लगी आग, आग की वजह से फटने लगे तेल के ड्रम। आसपास के लोगों ने आग बुझाने में पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद। कन्नौज में दो ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर की चपेट में आई बारातियों से भरी हुई इको कार, दूल्हा दुल्हन सहित 8 बाराती जख्मी, 4 की हालत बेहद नाजुक। सैपई और तिरवा मेडिकल कॉलेज का रेफर किया गया। 13 में डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी भयंकर आग, पटेल नगर के सुविधा डिपार्टमेंटल स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। नैनीताल के जंगल में देर रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन, पुलिस और फायर सर्विस के जवानों ने कार चालक को रस्सियों से बाहर निकाला। खाई में लटकी थी कार, कार चालक को 108 स्वास्थ्य सेवा से पहुंचाया गया अस्पताल। सोनभद्र में होलिका दहन स्थल पर आए अतिक्रमण को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से हटाया, निर्माण स्थल की साफ सफाई भी कराई गई। पिछले काफी दिनों से यहां पर अवैध अतिक्रमण था। सीतापुर के हर गांव में 3 ईंट भट्टों का पर प्रशासन का चला है बुलडोजर। अवैध रूप से संचालित हो रहे थे ईंट भट्टे, इनके पास नहीं थी एनओसी। प्रशासन ने ईंट भट्टा मालिकों को आगाह भी किया था। इटावा में भी देखने को मिलने लगा बुलडोजर का असर, दूसरी बार विधायक बनी सरिता भदौरिया को लोग गिफ्ट में दे रहे हैं बुलडोजर। सपा समर्थक ने भी विधायक को बुलडोजर गिफ्ट किया। लगातार दूसरी जीत दर्ज करने वाले एटा सदर के विधायक विपिन वर्मा डेविड ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला है जुलूस। ढोल नगाड़ों के साथ शहर में घूमकर लोगों का जताया आभार। विजय जुलूस में भाजपाइयों ने खेली होली। मुजफ्फरनगर सदर सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते भाजपा विधायक कपिल देव अग्रवाल ने रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। रोड शो में बुलडोजर के खास तौर पर शामिल किया। खटीमा से सीएम धामी के चुनाव हारने पर महिला कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा महिला मोर्चा ने भीतर घात करने वाले पर कार्रवाई की है मांग। यूपी में प्रचंड बहुमत से भाजपा की वापसी के बाद से मथुरा में श्याम लला के भव्य और दिव्य कॉरिडोर और भूमि विवाद को खत्म करने की मांग। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले संतों ने की बैठक। सुदामा कुटी वृंदावन में संतों ने बैठक की। बैठक में सभी संतों ने पीएम और सीएम को लिखा पत्र। सभी संतों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नजदीक अवैध तरीके से बनी मस्जिद की भूमि को मुक्त कराकर विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग की है। बांदा में सट्टेबाजी में एक दोस्त ने अपने दोस्त को दी बाइक, दोनों दोस्तों ने भाजपा सपा की जीत हार पर लगाया था सट्टा। सपा समर्थक युवक ने बाइक और भाजपा समर्थक युवक ने टेम्पो देने का किया था ऐलान। बहराइच के हुजूरपुर में परिजनों की डांट से नाराज होकर बुआ और भतीजी ने खाया जहर। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ा। परिवार में किसी मामले को लेकर हुई थी कहासुनी। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, प्रसूता ने जिला अस्पताल गेट पर दिया नवजात को जन्म। प्रसूता को इंदरगढ़ से तिरवा सीएचसी किया गया था रेफर, सीएचसी के डॉक्टरों ने नहीं किया था भर्ती। गोरखपुर में राजनर सिंह और पैरामेडिकल कॉलेज में 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने दिया धरना। कॉलेज में मान्यता रद्द होने से परेशान है ये छात्र। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। पुलिस लाइन में दवाई खाने से बिगड़ी एक छात्र की हालत। गाजीपुर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लोक अदालत में निपटाए गए 22,218 मुकदमे। जल्दी मुकदमों के निपटने से लोगों में खुशी। हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने शुरू की अपनी तैयारियां। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की टीम ने तैयारियों का लिया जायजा। यात्रा पड़ाव घांगरिया पहुंचकर टीम ने की है रेकी। मथुरा के नंदगांव में मनाई गई लठमार होली। नंदगांव चौक पर खेली गई होली, विदेश से लोग यहां होली खेलने पहुंचे। बरसाने के हुरियारी गोपियों से होली खेलने जाते हैं नंदगांव। अल्मोड़ा में महिला कल्याण समिति ने आयोजित किया होली महोत्सव। कुमाऊं भर से आई महिलाओं ने होलियारों और नृत्य स्वांग रच कर शहर में निकाला जुलूस। खड़ी और बैठकी होली का भी किया मंचन। हरिद्वार में शांभवी आश्रम में संतों ने फूलों और रंगों की होली खेली। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आने पर बधाई दी।
मथुरा में भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने श्री प्रिया कांजू मंदिर में होली महोत्सव में शिरकत की। हेमा मालिनी ने श्रद्धालुओं को दी होली की बधाई। कुमाऊं में बैठकी होली और खड़ी होली की धूम। पहाड़ी समाज की महिलाओं और पुरुषों ने खेली होली। नवनिर्वाचित विधायक शिव अरोरा भी डांस करते नजर आए। उत्तरकाशी में 3 मई से होने वाले चारधाम यात्रा के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगोत्री में यात्रा व्यवस्थाओं को किया स्थलीय निरीक्षण। आगरा में ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ने ताजमहल का दीदार किया है। दल में 17 सांसदों के साथ कई प्रतिनिधि भी शामिल रहे। आगरा के मेयर नवीन जैन ने दल के सदस्यों का स्वागत किया। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए पीएम मोदी ने भारत की सुरक्षा तैयारी और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक। राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और अजीत डोभाल समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। ममता बनर्जी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा उपचुनाव के लिए आसनसोल से घोषित किया है उम्मीदवार। बाबू सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी आसनसोल की सीट। पंजाब की ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भगवंत मान के साथ स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। अमृतसर पहुंचते ही भगवंत मान ने किया केजरीवाल का स्वागत।